तो आज मेरी जावा जो है बड़ी खुश है, देखे माशाल्लाह से कितनी खुश घूम रही है। ये चिक पिक इनकी लगी रहती है, ऐसी खुश है आज। और ये क्यों खुश है मैं आपको बताता हूँ। इनके लिए आज मैंने एक इनकी खुशी के लिए एक पौधा अंदर लाया है, अंदर ला के रखे। ये आपको आर्टिफिशियल लग रहा होगा मगर नहीं, ये आर्टिफिशियल नहीं है। इसकी भी हमने जैसे लव बर्ड्स में जावा फिंच में जो ब्रीडिंग होती है, ऐसे तो हमने प्लांट्स में भी जो है ब्रीडिंग ली है। जी हमने प्लांट्स में भी ब्रीडिंग ली है। इसके इसके और पौधे भी वहाँ पे हैं, मैं आपको बाहर निकल के बताऊँगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ। माशाल्लाह से ये जो पौधा है ये हमने अंदर लगाया ताकि जो आपको पता है लव बर्ड्स हो गए, फिंचेज हो गए, इनको जो ग्रीनरी बड़ी अच्छी लगती है। ग्रीनरी तो इनका नेचर बन जाता है, माहौल अच्छा, इन्वायरमेंट इनका अच्छा होता है, तो इसीलिए ये खुश है आज। आज हमने फिलहाल एक पौधा लाया है, कल इंशाल्लाह हम दूसरा भी ला के इधर इस तरफ रख देंगे इन डंडियों के नीचे, क्योंकि ये बिठे करती हैं फिर इनके ऊपर लगेगा। इसीलिए आज हमने देखे डंडी के इस साइड रखे ताकि इसके ऊपर बैठे खुश रहें। और आज सब दाना पानी साथ में खा रही है, खुश है। तो चलें अभी बाहर निकलते हैं। कितने को भी दिखा और वो उसको भी दिखा। किसको? ओ हाँ, तो व्यूअर्स आज जो है हमारा जो आपको बता रहे थे बच्चा चिड़िया का जो था जंगली बच्चा, ये भी माशाल्लाह से ऊपर आके बैठने लग गए इन चिड़ियों के साथ, उड़ने लग गए। ये देखिए ये रोल है, ये भी ऊपर बैठने लग गए। और जो बटेर है छोटा सा, कहाँ गया ये रहा, वो रहा, ये जो आपको नज़र आ रहे ये भी माशाल्लाह से भी एक्टिव हो गए फुल। देखें बाहर निकलने की कर रहे, ये भी उड़ने लग गए। इसको अगर पकड़ो तो उड़ेगा, ये देखना, देखें उड़ रहे। बाहर निकलते हैं अभी, कर रहे हो पप्पा इनका? हाँ, इसको ताज़ा दाना रख रहा हूँ ना। हाँ, सुबह का पड़ा हुआ था, बुट्टा भी चेंज, बुट्टा पड़ा हुआ रहने दे। सुनो व्यूअर्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था उस दिन हमने आपको बताया था कि हम डक्स लेने गए थे तो डक्स नहीं मिली थी, तो आज हम इंशाल्लाह फिर जा रहे हैं डक्स लेने। इनको दाना पानी रख के हम निकलते हैं डक्स के लिए। तो मैं आपको उस पौधे का बता रहा था, ये देखें, ये उस पौधे का बाप है, वो बेटा है इसका। जो बड़ा पौधा ये रहा एक, और उससे छोटा वो रहा, और वो रहा एक, तो इसीलिए हमने इसको अंदर कर दो। आज मुर्गी को भी दाना पानी हमने टाइम पर दे दिए, तो इसीलिए इनको अंदर बंद कर दिए, खाना इन्होंने ख़त्म कर दिए। निकाल लो फिर से, अभी तो निकाला था इनको, निकाल के दाना और निकाल। हाँ, इन्होंने दाना ख़त्म कर लिए वैसे। चले निकालो इन्हें, फिर इनको दाना पानी दे के फिर हम चलते हैं। देखो ये माशाल्लाह से देखें एक्टिव है हमारे चूजे, आपको पता है सुस्त कभी नहीं रहते, हम इन्हें टाइम पे दाना पानी देते हैं। और हाँ, हमें अगर इन्हें कुछ हल्के वल्के ढीले वीले पड़ जाए कोई भी एक चूज़ा, तो हम इन्हें पानी में ब्रोफिन्स वो कोई दवाई ना मिला के, फ्लेजल ब्रोफिन की मिला के एक कतरा दे देते, तो ये फिट हो जाते हैं। अभी भी माशाल्लाह देखें टाइट हैं, घूम रहे हैं अच्छे, एक्टिविटी इनकी अच्छी है। अभी पापा दाना पानी दे रहे हैं, वो देखें मुर्गी के साथ लड़ी है। नहीं नहीं चलो ना, इन्हें खाने दे जब तक हम थोड़ा सा भी। हाथ में हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता खिलाना सिखा रहे हैं, क्योंकि अक्सर जो होते हैं हमारे पास कितने मुर्गे मुर्गियाँ थे, उन्होंने ब्रीडिंग की थी, बच्चे निकाले थे, हम उन्हें बर्तन में देते, हम जब भी उनके पास जाते वो भागते, हाथ में कभी नहीं आते, डरपूसल बन गए थे। तो इसीलिए देखें, वो देखें आपको लाल वाला नज़र आ रहा होगा, ये हाथ में खा रहे और चूजे देखें बाहर घूम रहे, ये बिल्कुल नहीं हाथ में आ रहे। हाँ ये है भी वफादार है, डरता भी नहीं है, इसीलिए हम हाथ में खिला रहे इनको ताकि ये ना डर के भागे नहीं हमसे। तो चले व्यूअर्स अभी चलते हैं, इन्हें रखे अंदर बंद करके फिर हम आपको बताएंगे। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से कितने प्यारे चूजे हैं, देखे हैं एक उधर घूम रहे, तीन इधर दाना पानी खा रहे और मुर्गी भी खा रही है। ये जो चूज़ा क्या है, ये बेचारा माशाल्लाह से अच्छा चूज़ा, ये पला रहता है इधर ही, खाते है हाथ पे बैठ के खाते है। इनको हमें अभी हाथ पे ट्रेनिंग करनी है इनकी, तभी देखें अभी ये उड़ रहे हैं ना बार बार इनको हाथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चले आज हमारा व्लॉग एंजॉय करें व्यूअर्स, अभी चलते हैं हम। चले व्यूअर्स अभी हम रास्ते से जा रहे हैं, हम जब पहुंच जाएंगे फिर आपको बताएंगे। कल बूंदाबांदी हुई थी आहिस्ता आहिस्ता, तो इस गर्मी में आपको पता है जो हमारे लव बर्ड्स होते हैं उनका ख्याल रखना बहुत मुश्किल होता है, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स बार बार देने पड़ते हैं। पहुँच गए व्यूअर्स मगर इधर बकरी नहीं है, उन्होंने बोला था कि डक्स का भाई को इधर आज बकरी नहीं, तो बोला था वो आए नहीं है बच्चे बच्चे वो है कितने की
बड़ी नस्ल की वो बड़ी ना आप मंगवा रहे हैं भैया आ रहे हैं आ रही है देखते कैसी है माशाल्लाह है तो लंबी गर्दन जैसे सुना था वैसे ही हम माशाल्लाह क्या बताएं जब पैक पैक कर रही है मुझे ये इनकी बड़ी आवाज बड़ी प्यारी लगती है जब पैक पैक करती है ना पसंद है बहुत अच्छी है पप्पा बहुत अच्छी है माशाल्लाह प्योर वाइट है जी बस थोड़ी मैली हुई इसको नहलाएंगे घर पे जाके अच्छी हो जाएंगी नहीं सही है ले ले जी माशाल्लाह ले ना अच्छी चलो फिर लेता हूँ ठीक है व्यूअर्स आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है मैं पहली बार डक्स ले रहा हूँ मुझे बड़ा शौक है देखें ये देखें पैक पैक कर रही है बड़ा प्यारी लगती है मुझे पैक पैक करती है बस चले अभी लेते हैं फिर चलते हैं बोरे में डाल लें अंकल फिर हम दम तो नहीं घुट जाएगा नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा मर मर तो नहीं जाएंगे रास्ते में देखा अरे नहीं हटते वे अंदर हवा जाएगी ना इसके हाँ हाँ बेफिक्र रहना अच्छा काले कलर की अगर डक्स आए ना काले दो दो काली भी लेनी है दो काली इंशाल्लाह जैसे आएंगे मैं आपको चले अभी पापा निकाल लें ये चलो भाई माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है ओए होए इन्हें अभी फिलहाल गर्मी लगी हुई है देखे मुर्गियों को देख के इसने तो इन्होंने इतना शोर मचा दिया मुझे तो खुशी की इंतहा हो रही है बड़ी बहुत खुशी हो रही है कितनी प्यारी लग रही है देखे अच्छा ये गंदी हो रही है ना इनको कल हाँ इनको कल नहलाएंगे पापा कल इनको साफ सुथरा करके क्योंकि अभी मौसम भी बन गए शाम हो गई है देखे माशाल्लाह पापा कितनी प्यारी लग रही है मैं तो बहुत खुश हो रहा हूँ और हाँ मैं तो इतना थका हूँ इन्होंने रास्ते में बोरे में पकड़ के लाऊं मैं समझते थे कि इनका कम से कम दोनों का 5 किलो वजन होगा इनको माशाल्लाह से एक का 5 किलो वजन है 10 किलो तो मेरे हाथ दुख गए कमर भी दुख गई है मैं तो बड़ा थक गई हूँ इनकी और हाँ मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि ये इनकी आप मुझे पहचान बताइएगा आपसे गुजारिश है कि इसमें नर मादा कौन सी है अभी हमें दुकानदार ने भी नहीं बताया कि इसमें नर मादा कौन सी उन्होंने पक्का बताया कि एक कंफर्म नर है जिसकी मोटी गर्दन और छोटी क्या है वो नर है देखें इसमें आपको छोटी गर्दन वाला कोई नज़र आ रहा हुआ तो बताइएगा ये छोटी गर्दन वाला लग रहा है मुझे ये नर लग रहा है आप बस मुझे कमेंट में बताइएगा आपसे गुजारिश है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनमें नर मादा की पहचान कैसे होती है फ़िलहाल दाना पानी दे रहे पापा तो कल हम इन्हें इंशाल्लाह नहलाएंगे पीने फ़िलहाल चलें पिए पानी पिए हाँ देखें कितनी गर्मी लगी हुई बेचारियों को देखें पापा कितनी प्यासी हुई थी सही पानी पी रही सही प्यासी हुई थी मुझे लग रहे हैं अभी भी इनका मुंह खुला हुआ है आज हम बहुत ही ना व्यूअर्स हमारे लव बर्ड भी बहुत गर्मी से बेहाल हो रहे थे तो अभी इनका भी मुंह खुला हुआ है पापा पानी वानी मार है ताकि इनका जो है मुँह थोड़ा बंद हो जाए और सांस सही से लें सांस इनका खुला हुआ मेरा भी फूला हुआ है गर्मी के हाल से और उनका वजन उठा आगे भी आज का भी लोग यहीं पे एंड करते हैं अल्लाह हाफिज आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें गुड एवरी के नाम से अल्लाह हाफिज फी अमानुल्लाह।